हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मीनू रोड़ा। रेगुलरली मैं अपने चैनल पे न्यू वर्क फ्रॉम होम लेटेस्ट जॉब अपडेट्स को लेके आती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी अमेजॉन हायरिंग फॉर सेलर ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट हिंदी लैंग्वेज। अमेजॉन की तरफ से हायरिंग है यहाँ पे सेलर ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट की, जो स्पेशलिस्ट डिमांड किए गए हैं दैट टू इन हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आती है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिमिटेड भी आती है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं सेलर ऑनबोर्डिंग का यहाँ पे क्या मतलब है। अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स जो है अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट करते हैं। सो आपका यहाँ पे काम क्या रहने वाला है, अमेजॉन के पे जितने सेलर्स, मान लीजिए अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कराना है, सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज होंगी, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होगा, कैसे मैं प्राइस सेट कर सकती हूँ, कैसे आपका कमीशन सेट होगा, तो बहुत सारी पैकेजिंग क्या रहेगी, डिलीवरी कैसे होगी, सो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो मेरे माइंड में होंगी, राइट। इस सिमिलरली जो है अमेज़ॉन की तरफ से बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाएगा मेरे पॉइंट पे, क्वालिटी एश्योरेंस भी हो सकती है, मेरा पैन कार्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन चेक करेगा। सो आपका यहाँ पे यही काम कर रहने वाला है कि सेलर को आपको ऑनबोर्ड कराना है और सेलर की सारी क्वेरीज आपको यहाँ पे रिजॉल्व करनी है। होप आपको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट्स क्या रहने वाली हैं। यहाँ पे आपकी रोटेशन शिफ्ट्स रहने वाली है, 5 डेज आपका यहाँ पे वर्किंग रहने वाला है और 2 डेज आपका वीक में यहाँ पे ऑफ रहने वाला है। अब यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आपकी बेंगलुरु रहने वाली है, बेंगलोर यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और इस टाइम पे ये वर्क फ्रॉम होम है ड्यूरिंग द कोविड, सो अगर आप इस टाइम पे किसी भी लोकेशन में इंडिया में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है 3 लाख टू 4 लाख पर एनम। सो यहाँ पे ये जो पैकेज है आपका, इसके अलावा अगर आपको अमेज़ॉन में काम करने का मौका मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो दिए जाते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेज यहाँ पे होते हैं जिससे आपका पे के पैकेज काफ़ी अच्छा बन जाता है। यहाँ पे आपको ओवरटाइम अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इवन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है वर्क करने के लिए, तो वो भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस आपका एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपकी रोटेशन शिफ्ट्स रह सकती है, हो सकता है आपको नाइट शिफ्ट में वर्क करने का चांस मिले या फिर डे शिफ्ट में मिले, लेकिन आपका टास्क यहाँ पे 5 डेज शिफ्ट रहने वाला है। पे पैकेज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वर्क फ्रॉम होम जो है यहाँ पे आपका जो है काम रहने वाला है। अब यहाँ पे आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और इंग्लिश में अगर आपकी नॉर्मली रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग आप कर सकते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स विद द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इशूज करेक्टली एंड क्लियरली टू बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। सो आपको यहाँ पे उनके इशूज़ को रिजॉल्व करना है और कम्युनिकेट करना है टूवर्ड बोथ द पार्टीज, ताकि जो है आप यहाँ पे इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है, क्योंकि घर पे बैठ के आपको काम करना है इंटरनेट के थ्रू, तो आपकी कमांड होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। सो आपको जो है एमएस वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। एज अ टीम प्लेयर आपको यहाँ पे ग्लोबल टीम एनवायरमेंट में वर्क करना है। सो गाइज, होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब इस पर आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो आप उस लिंक पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय, स्टे इन टच। कल फिर आऊँगी एक और नई वीडियो लेके। बाय बाय।